जा तो अध्याय एक के अंतर्गत ही अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के अंतर्गत सामान्य तौर पर मनुष्य के द्वारा जो दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक मनुष्य के द्वारा धन कमाने के लिए जो भी क्रियाएं या कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और जो क्रियाएं अपनी मन की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनके बीच में हमने अंतर को भी देखा और आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं उनमें सर्वप्रथम जो व्यवसाय है, आइए हम व्यवसाय के बारे में जानें कि व्यवसाय क्या है। यहाँ पर व्यवसाय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम इसका यहाँ पर हम गहन अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक समय में व्यवसाय एक सामाजिक एवं आर्थिक संस्था है। व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो है सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना। एक दुकानदार यदि अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो इसका मतलब क्या है, दुकानदार ग्राहक की सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहा है। व्यवसाय के लिए आवश्यक है उपभोक्ता का सृजन। व्यवसाय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर उपभोक्ता का सृजन करना, अर्थात उपभोक्ता की उपभोग करने की क्षमता को बढ़ाना। व्यवसाय के यहाँ पर दो प्रमुख कार्य होते हैं, विपणन एवं नव प्रवर्तन। ये दोनों ही लाभ प्रदान करने में सक्षम है, परंतु लाभ के साथ उपभोक्ता, कर्मचारी तथा समाज को सामान्यतः संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो प्रमुख कार्य हैं, विपणन और नवप्रवर्तन, अर्थात उपभोक्ता तक वस्तु किस प्रकार से पहुँचती है, साथ ही नवप्रवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर कि नए नए रूप में उपभोक्ता के अधिक उपयोग के लिए वस्तु को सक्षम बनाना, वस्तु को तैयार करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही लाभ प्रदान करने में सक्षम है। लाभ के साथ साथ उपभोक्ता, कर्मचारी तथा समाज को सामान्य संतुष्टि प्राप्त तो होनी चाहिए। यहाँ पर प्रवन शास्त्री हैने के अनुसार उन्होंने कहा है, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने अथवा प्राप्त करने हेतु की जाती है। तो ये एक मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से जुड़ी है, और इसके माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की जाती है। पीटरसन प्लाउमैन के अनुसार व्यवसाय को एक ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न व्यक्ति किसी उपभोग चीज का विनिमय पारस्परिक हित अथवा लाभ के लिए करते हैं, चाहे वे वस्तुएं हों या सेवाएं। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जिसका संगठन एवं संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवसाय से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के नियमित उत्पादन एवं हस्तांतरण से संबंधित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वे आर्थिक क्रियाएं जो हमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती हैं, साथ ही लाभ प्राप्ति के लिए वस्तु और सेवाओं के नियमित उत्पादन एवं हस्तांतरण अर्थात विनिमय से संबंधित है। अर्थ क्या है, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के अर्थ के साथ साथ यहां पर हम देखते हैं कि व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं। व्यवसायिक क्रियाएं किस प्रकार एक अन्य आर्थिक क्रियाओं से भिन्न है, इसे समझने के लिए व्यवसाय की प्रकृति या इसके आधारभूत विशेषताओं को समझना आवश्यक है। यहाँ पर जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहली आर्थिक क्रिया, तो स्वाभाविक है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ये धन कमाने के लिए की जाती है,
आजीविका इसका उद्देश्य चलाना होता है, आजीविका चलाना होता है। स्नेह प्यार रहम दया भावना या अन्य किसी मानवीय भावनाओं से किया गया कार्य व्यवसाय नहीं कहलाता, अर्थात ऐसी क्रिया जिसको करने से धन की प्राप्ति होगी वही आर्थिक क्रिया कहलाएगी, वही व्यवसाय में सम्मिलित होगी। दूसरा है विक्रय हस्तांतरण या विनिमय। व्यवसाय क्रिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना बेचना, उनका हस्तांतरण, उनका विनिमय होना आवश्यक है। यदि ऐसा ना हो तो वो क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति या एक महिला अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाती है तो ये क्रिया व्यवसाय नहीं है, क्योंकि इसमें खाने का विक्रय नहीं हुआ और ना ही हस्तांतरण हुआ। लेकिन इसके विपरीत यदि वही महिला या वही पुरुष किसी होटल में या भोजनालय में दूसरे ग्राहकों के लिए खाना बनाता है जिसको खाना बेचकर उससे धन की प्राप्ति होती है तो ये व्यवसाय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने का मूल्य उसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरी विशेषता है वो विक्रय हस्तांतरण एवं विनिमय का होना आवश्यक है और उसके बदले में मुद्रा का प्राप्त होना आवश्यक है, तभी वो व्यवसाय कहलाता है। तीसरा बिंदु यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन है। परस्पर लेन देन होना चाहिए। व्यवसाय के लिए निर्मित वस्तुएं या तो उपभोग की वस्तुएं हों जैसे कपड़े जूते बर्तन आदि, या उत्पादक वस्तुएं जैसे मशीन या औजार हो सकते हैं। सेवाएं अमूर्त एवं अदृश्य वस्तुएं हैं जिनका संचय संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिवहन, बिजली, पानी आदि ये सेवाओं में सम्मिलित हैं, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन परस्पर होना चाहिए। चौथा बिंदु है लेन देन में नियमितता, निरंतरता होना चाहिए, अर्थात लेन देन के संबंध में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वे कैसी हों, निरंतर हों। एक पक्षी सौदे को हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। यदि दुकानदार हमें कोई वस्तु देता है तो उसके बदले में हम उसको धन देते हैं तो ये दो पक्षीय सौदा हो गए, एक पक्षी नहीं। तो यहाँ पर लेन देन में नियमितता होना चाहिए। व्यवसाय के लिए वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय निरंतर होते रहना आवश्यक है। एक व्यक्ति यदि अपना मकान बेचकर लाभ प्राप्त कर ले तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एकाकी सौदा है। परंतु वही व्यक्ति यदि मकान के क्रय विक्रय के धंधे को अपना ले तो वो उसका व्यवसाय कहलाएगा, अर्थात यदि हम कोई एक बार सौदा कर लेते किसी वस्तु का करते हैं तो वो हमारा व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय में निरंतरता होना जरूरी है। अगला बिंदु लाभ प्राप्ति है। व्यवसाय का मुख्य तत्व जो है वो लाभ है। व्यवसाय में लाभ ही प्रेरक शक्ति होता है। जितना अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है व्यवसाय उतना ही तेजी से विकसित होता है। यदि व्यवसाय में निरंतर हानि होती है तो सही अर्थों में व्यवसाय काम नहीं कर रहा। आधुनिक समय में समाज में प्रतिस्पर्धा, जटिलता, प्रभावशील प्रगतिशीलता पाई जाती है, अतः नव प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं का सृजन करके ही कोई व्यवसायी लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। अगला बिंदु है प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय क्रियाओं में लाभ प्राप्ति केवल व्यवसायी उसके साथियों के प्रयत्न पर निर्भर नहीं होती। लाभ के निर्धारण में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन पर व्यवसायी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कभी कीमतों में बदलाव आ गया, मांग में परिवर्तन हो गया, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो गया, या बाजार में तेजी मंदी हो गई, मुद्रा की स्फीति या विस्फीति हो गई। ये अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं। तो व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता अर्थात प्रतिफल की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। वहीं जोखिम का तत्व एक बिंदु में देखें हम तो व्यवसाय में जोखिमता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि लाभ होगा अथवा नहीं। तो जहां प्रतिफल की अनिश्चितता है तो वहां पर जोखिमता भी बराबर व्यवसाय में बनी रहती है। प्रतिफल का सृजन व्यवसाय जो है किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करके उसको अधिक उपयोगी योग्य बनाता है। इस प्रकार से यहां पर एक व्यवसायी जो है उपयोगिता का सृजन भी करता है। तो यहां पर हमने देखा व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। एक आर्थिक क्रिया है,
इसमें विक्रय हस्तांतरण विनिमय होना आवश्यक है, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन जरूरी है, नियमितता होना चाहिए, लाभ प्राप्ति का गुण होना चाहिए, प्रतिफल की अनिश्चितता इसमें रहती है, जोखिम इसमें हमेशा बना रहता है, साथ ही व्यवसाय इसमें उपयोगिता का सृजन करता है। आइए अगले क्रम में हम देखते हैं व्यवसाय के प्रमुख अंग या वाणिज्यिक क्रियाएं। व्यवसाय के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी वाणिज्यिक क्रियाएं की जाती हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है, प्रबंध संबंधी क्रियाएं, दूसरा उद्योग संबंधी क्रियाएं, तीसरा प्रत्यक्ष सेवाएं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम जानते हैं वाणिज्यिक संबंधी क्रियाएं क्या हैं। स्टीफेंसन के अनुसार वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं की योग से है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, व्यापार, स्थान, परिवहन एवं बीमा तथा समय संग्रह एवं बैंकिंग संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक व्यवसाय माल के क्रय तथा विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार वस्तुओं के वितरण से ये संबंधित होती है। इस प्रकार वाणिज्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं, वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार को संभव बनाने वाली सहायक सेवाएं सम्मिलित हैं। दूसरा, वाणिज्य के साधन व्यक्ति, स्थान, समय तथा वित्तीय बाधाओं को दूर करते हैं। तीसरा, व्यक्ति संबंधी बाधाओं से आशय यहाँ व्यापार से है जो क्रय विक्रय द्वारा दूर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तथा वस्तुओं को बिना जोखिम पहुँचाने के लिए परिवहन एवं बीमा सेवाओं की आवश्यकता होती है। संग्रह द्वारा विनिमय संबंधी बाधाओं को गोदाम तथा बैंकिंग सेवाओं द्वारा दूर किया जाता है। व्यापार के साथ साथ कुछ अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जिनमें विज्ञापन, संदेश वाहन, स्कंद, वस्तु विपणन सेवाएं आदि सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाणिज्य के अंतर्गत वे क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो वस्तुओं को या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, साथ ही जो वित्तीय साधन है उनको पूरा करने में, इन चीज़ों में जिनकी आवश्यकता होती है वे वाणिज्यिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके उद्देश्य यहाँ पर है वाणिज्य के लाभ प्राप्त करना, समाज व राष्ट्र हित में कार्य करना, पूंजी की सुरक्षा और उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना, श्रमिक कल्याण हेतु कार्य करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। यहाँ पर वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक अंग। तो व्यापार क्या है? व्यापार, जैसा कि हमने बताया था कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा उन्हें व्यापकता प्रदान करना ही व्यापार है, अर्थात वस्तुओं को खरीदना बेचना व्यापार है। जिसके पास वस्तु अधिक मात्रा में है वो उससे वस्तु प्राप्त करके अर्थात खरीद कर, जिसके पास वो वस्तु उपलब्ध नहीं है उसको बेचना व्यापार कहलाता है। यहाँ पर क्रय विक्रय का जो आधार है वो क्या है? लाभ। परंतु इसका वैध होना आवश्यक है, वैधानिक होना आवश्यक है। साथ ही क्रय विक्रय की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को लाभ होना भी आवश्यक है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो स्वाभाविक है कि देशी व्यापार जो देश की सीमा के अंदर किया जाता है वो देशी, और जो दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में किया जाता है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। यहाँ पर देशी व्यापार जो है दो प्रकार से होता है, थोक या फुटकर। साथ ही देशी व्यापार में स्थानीय व्यापार, प्रांतीय और राज्य स्तरीय व्यापार जो है, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा समुद्र तटीय व्यापार एक ही देश के अंदर, ये सब जो हैं आपके देशी व्यापार के अंतर्गत आते हैं। विदेशी व्यापार दूसरे दो देशों के बीच में किया जाता है, इसमें आयात या निर्यात की प्रक्रिया होती है। जब एक देश से दूसरा देश माल खरीदता है तो वो आयात कहलाता है, जब एक देश दूसरे देश को माल बेचता है तो वो निर्यात कहलाता है, और इसी स्थिति में जब हम किसी देश से माल खरीद कर उसको किसी तीसरे देश को माल बेच देते हैं तो वो पुनर्निर्यात कहलाता है। तो ये जो है ये व्यापार क्या है इसके बारे में हमने देखा यहाँ पर। अब यहाँ पर व्यापार के जो विभिन्न सहायक अंग हैं, अर्थात व्यवसाय को व्यापक बनाने के लिए, व्यापार को विस्तृत करने के लिए हमें विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है।
तो ये व्यवसाय तथा व्यापार को समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु ये सही नहीं है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, इसमें व्यापार के साथ साथ व्यापार हेतु इसकी सभी सहायक क्रियाएं अथवा सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। इसमें सहायक सेवाओं में जैसे परिवहन हो गया, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, बैंकिंग पूंजी की धन की व्यवस्था करने के लिए, वित्त पूंजी की व्यवस्था के लिए, बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भंडारण माल को एकत्रित करके रखने के लिए, विज्ञापन वस्तुओं सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उपज विपणी माल को संग्रहित करके उचित समय पर माल को उचित कीमत पर बेचने के लिए, स्कंद विपणी स्टॉक को करके रखने के लिए, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। इस प्रकार व्यापार व्यवसाय वाणिज्य की केंद्रीय धुरी हैं, जिसके चारों ओर अन्य सहायक क्रियाएँ चक्कर काटती हैं। दूसरे अंग के अंतर्गत उद्योग संबंधी क्रियाएं। उद्योग के अंतर्गत उन व्यवसायिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के रूप परिवर्तन अथवा उत्पादन से संबंधित है। अर्थात उद्योग के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिसमें कम आवश्यकता वाली वस्तु को अधिक आवश्यकता वाली वस्तु बनाने के लिए उसके रूप रंग उसके आकार में हम परिवर्तन करके उसको अधिक उपयोगी बनाते हैं, वो उद्योग संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं। वास्तव में उपयोगिता का सृजन करना ही उद्योग कहलाता है, अर्थात उपयोगिता को बढ़ाना वो उद्योग कहलाता है। जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है कपास के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कपास को के माध्यम से धागे बनाकर धागे के माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है। इसी प्रकार से चीनी उद्योग गन्ने के माध्यम से चीनी बनाना, शक्कर बनाना, कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनाना। यहाँ पर हम अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जिन उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है वे उपभोग संबंधी वस्तुएँ कहलाती हैं। अनेक वस्तुओं का उत्पादन पुनः अन्य उत्पादकों द्वारा दूसरी वस्तु उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा एवं इस्पात, रसायन पदार्थ, मशीनें आदि, ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। उद्योग को चार भागों में बांटा गया है, खाद्य उत्पादन या जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत हम उन प्राथमिक उद्योगों को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा भूमि या प्रकृति से खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जैसे खेती का कार्य करना कृषि उद्योग, बागवानी का कार्य करना मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन या बकरी पालन, वन उद्योग आदि। अर्थात जो भूमि पर या प्रकृति से खाद्य पदार्थों का हम उत्पादन जिससे कर रहे हैं वो जेनेटिक उद्योग। दूसरा प्रकार है निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत हम उन उद्योगों को रखते हैं जिनका संबंध भूमि, वायु या जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों का निष्कर्षण करने से होता है, जैसे कोयला, लोहा, कच्चा तेल, मैंगनीज, तांबा इत्यादि। अर्थात हम इनको सीधा जमीन से प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त है उनको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, वो कहलाते हैं निष्कर्षण उद्योग। इसके बाद है निर्माणी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये उद्योग शब्द से आशय निर्माणी उद्योग से लगाया जाता है। निर्माणी उद्योग से तात्पर्य यहाँ पर कि जब हम वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं, अर्थात इन उद्योगों के द्वारा कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल का उपयोग करके हम अनेक प्रकार की वस्तुएँ अर्थात पक्के माल या जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह उद्योग रूपी उपयोगिता का सृजन करते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, साथ ही वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना और कागज उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आदि। ये निर्माणी उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती है। अगला जो है उद्योग है वो है रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों में किसी भी निश्चित स्थान पर स्थायी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सामान्यतः बाजार में बेचने नहीं ले जाया जाता, जैसे सड़क का निर्माण, रेल, पुल, भवन आदि के निर्माण में लगे हुए उद्योग
इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कहलाते हैं रचनात्मक उद्योग। तो यहाँ पर हमने देखा कि उद्योग संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत उद्योग क्या है, उद्योग के उसके प्रकार क्या हैं, व्यवसाय में उद्योग किस प्रकार से सम्मिलित हैं, उद्योग को जो चार भागों में हमने बांटा, खाद्य जननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग।